राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, उनके साले साहब प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, जीजा जी सीएम की कुर्सी पर। बिल्कुल साहब, जीजा जी सीएम की कुर्सी पर हुए हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है और खुशी इतना कि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक छोटे से कार्यकर्ता को लेके इतनी ऊपर गद्दी पर बैठाया, ये मोदी जी का एक कमाल है और आप देख सकते हैं कि मतलब ये कमाल कैसे क्या हो रहा है। बाकी जैसे राजस्थान की जनता चौंकी, वैसे आप भी चौंके क्या? बिल्कुल साहब, हमको इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो हमारी सोच से परे है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम मोदी जी का मान रखेंगे कि मोदी जी ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। देश में कहीं थे लेकिन भजनलाल जी कहीं नहीं थे और एकाएक आए। देखो ऐसा है, सांगानेर की सीट पर जो हमको जिस तरीके से मोदी जी ने एहसास करके हमको जिस तरीके से राजस्थान की सबसे सीट सांगानेर से सीट दी और हमको वहां की जनता ने 50,000 से जिताया, तो थोड़ा सा हमको महसूस होने लगा था कि मोदी जी ने कोई ना कोई हमको जिम्मेदारी दी है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं इतना हमको बिल्कुल विश्वास नहीं। मतलब जो सेफ सीट दी थी उसे लग गया था कि अब मुख्यमंत्री शुरू, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि हमको सेफ सीट दी है तो कुछ जिम्मेदारी हमको मिलेगी, उसकी खुशी हमसे हमें एक अलग से थी। पहली बार में विधायक और पहली बार में सीएम, ये एक चौंकाने वाला वो हुआ है। आप ये मोदी जी का चमत्कार है और आप देख सकते हैं मोदी जी और शाह जी ने जो ये काम किया है वो हमारी कल्पना से बाहर है। अच्छा, ये है हमारे निर्मल जी। अब जब लोकसभा का चुनाव होंगे क्या लगता है 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये भजनलाल जी का वादा है। और सभी कार्यकर्ता, आप इतनी खुशी आप देख रहे हैं, इतनी खुशी से सभी कार्यकर्ता माहौल है, 25 की 25 सीटें बीजेपी को लोकसभा की मिलेंगे। संगठन का अनुभव सरकार चलाने में काम आएगा? संगठन का जो अनुभव था वही सरकार चलाने में काम आएगा, और संगठन का अनुभव कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं होता है। चार बार संगठन के जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, चार बार संगठन के महामंत्री रह चुके हैं भजनलाल जी और उन्होंने किस तरीके से काम किया है आपने देखा है, और उस सारी जो चीज को उसको आगे बढ़ाएंगे। दरअसल रहने वाला और सामान्य से चेहरा, एक तरह से कहें कि बेदाग छवि, और आज भी वो धरातल पे ही रहेंगे और देखेंगे कि भजनलाल शर्मा जी किस तरीके से काम करेंगे, राजस्थान को एक ऊंचे आयाम पर भजनलाल शर्मा जी लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है भारतीय जनता पार्टी से। और हम मोदी जी और अमित शाह जी का मान और सम्मान पूरा, जिस तरीके ने उन्होंने हमको गद्दी दी है हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये थे भजनलाल जी के साले साहब जो कि बहुत खुश है, वो कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य के जो 5 साल हो गए राजस्थान की जनता के लिए वो बेहद खुशनुमा होंगे। ये खुशियां हैं जयपुर के जो अपार्टमेंट है जहां पर भजनलाल शर्मा रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, जहां पर उनकी धर्मपत्नी के साथ 2 बच्चे भी रहते हैं, और साले साहब यहां पर आए हैं और खुशी इतनी है कि ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी खूब जमकर हो रही है, क्योंकि राजस्थान को अगले 5 साल का नया मुख्यमंत्री मिला है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।